हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी लैपलेस ट्रांसफॉर्म के 2 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी तरह से हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बेसिक फॉर्मूलेज भी हमने आपको प्रूफ करा के दिए थे और मैट्रिसेस के भी कुछ वीडियोज आपको दिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियोज नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, फाइंड द लैपलेस ऑफ, आज हमें प्रूफ करना है, फाइंड द लैपलेस ऑफ साइन क्यूब 2t। ये हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसके बाद हम 4th प्रॉब्लम मिलेंगे, लैपलेस ऑफ साइन क्यूब 2t। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, लैपलेस ऑफ साइन क्यूब है, साइन क्यूब का डायरेक्टली लैपलेस नहीं होता। साइन क्यूब में से आपको क्यूब को पहले वहां से रिमूव करना पड़ेगा। जब तक आप क्यूब को रिमूव नहीं करेंगे तब तक इसका लैपलेस नहीं होगा। इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम कवर किए थे उसमें हमने लैपलेस ऑफ साइन स्क्वायर, लैपलेस ऑफ कॉस स्क्वायर वो हमने स्टडी किए थे, और यहां लैपलेस ऑफ साइन क्यूब है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो क्यूब रिमूव करना पड़ेगा, माने उसका पावर 3 रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम फार्मूला यहां पे लिख के दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। हम ये फार्मूले का यूज करके वहां से क्यूब रिमूव करेंगे, इसका मतलब जो उसका पावर 3 है हम उसको रिमूव कर सकते हैं और देन हम आफ्टर उसका लैपलेस लेंगे। तो प्रॉपरली चेक करो, 3/4 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, ये जो फार्मूला है उसमें कहीं पे भी पावर नहीं है, सिर्फ साइन थीटा है और साइन 3 थीटा है और इसका लैपलेस लेना आसान है। तो चलो फाइनली इसी फार्मूले का यूज करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लैपलेस ऑफ साइन क्यूब 2t है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लैपलेस ऑफ साइन क्यूब 2t, अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे साइन क्यूब 2t है, इसको जो है इसके साथ कंपेयर करो। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पे थीटा है और यहां पे 2t है, तो थीटा के जगह यहां पे 2t है। तो हमें क्या करना है, जब आप फार्मूले का यूज करेंगे तो जहां जहां पे थीटा है वहां वहां पे 2t आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 साइन 2t और ये हो जाएगा माइनस साइन 3 × 2t/4। तो हम वो यहां पे लिखेंगे, तो देखो कैसा हो जाएगा, ये हम लिखेंगे लैपलेस ऑफ यहां पे साइन क्यूब 2t, तो ये हो गया 3/4 साइन 2t माइनस, हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे, 2t माइनस साइन 3 × 2t/4। ये देखिए हमने फार्मूला ऐसा लिखे, प्रॉपरली चेक करो फार्मूला हमने सही लिखे कि नहीं। 3/4 साइन, यहां पे 2t चाहिए, देखिए 3/4 साइन 2t हमने लिखे, और यहां पे माइनस साइन 3 × 2t चाहिए यहां पे, क्योंकि थीटा के जगह हमें 2t लिखना है। तो देखो हमने बराबर लिखे और अब हम इसका लैपलेस लेंगे। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहां पे लैपलेस लेने के लिए हमें सबसे पहले जो डिवाइड में जो 4 है उसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, तो 4 यहां से कॉमन ले लो, इसका मतलब 1/4 कॉमन ले लो। तो देखिए हमने 1/4 कॉमन ले लिए और अंदर बचेगा लैपलेस ऑफ 3 sin of 2t माइनस साइन ऑफ 3 × 2t, तो ये हो जाएगा 60। हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो देखिए हमने ऐसा इसको मल्टीप्लाई किए और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे जो 1/4 है वो 1/4 बाहर रहने दो और अब लैपलेस ऑफ साइन 2t आपको क्या करना पड़ेगा, ये लैपलेस से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 3 × लैपलेस ऑफ साइन 2t माइनस लैपलेस ऑफ साइन 60 और अब हम इसका लैपलेस लेंगे। तो देखिए यहां प्रॉपरली चेक करो, 3 हमने यहां रखे, लैपलेस ऑफ साइन 2t हमने लिखे और लैपलेस ऑफ यहां पे 6 sin 60, और अब हम यहां पे स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कौन सा, तो हमें एक फार्मूला पता है लैपलेस ऑफ साइन 80 का, डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लैपलेस ऑफ साइन 80 का एक फार्मूला आता है डायरेक्टली, जो हमने इसके पहले भी बताए थे, जो कि है a/s² + s², तो ये फार्मूला आता है, हम डायरेक्टली यही फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। लैपलेस ऑफ साइन 80 है तो a/s² + s², तो साइन 80 की जगह यहां पे साइन 2t है और यहां पे भी साइन 80 की जगह साइन 60 है, इसका मतलब a का वैल्यू यहां पे 2 है और a का वैल्यू यहां पे 6 है। तो ये देखिए यहां पे हमें 80 है तो a/s² + s² है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग यहां पे लिखना है। तो ये हम लिखेंगे यहां पे 1/4 बाहर में है और अब यहां पे 3 × लैपलेस ऑफ साइन 2t, तो ये हो जाएगा 2/s² + 2² माने 4,
और यहां पे लैपलेस ऑफ साइन 60 मतलब ये साइन 80 के साथ कंपेयर करेंगे तो a की जगह 6 है तो 6 बाय s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माने 36। तो ये देखिए हमने इसको ऐसा लिखे, प्रॉपर्ली चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं, जो फार्मूला लिखे है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। देखो साइन 80 में a बाय s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर है तो a की जगह यहां पे 2 था तो 2 बाय s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माने 4 और यहां पे a की जगह 6 है तो 6 बाय s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 36। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, यहां पे 3 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 6 और ये 6 और ये 6 आप कॉमन ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है यहां पे। देखो 3 into 2 6 हो जाएगा तो ये 6 और यहां का 6, न्यूमरेटर में यहां पे भी 6 है न्यूमरेटर में यहां पे भी 6 रहेगा, दोनों 6 आप कॉमन ले लीजिए। अगर आप दोनों 6 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 6 by 4 और अंदर में जो बचेगा वो हम लिख रहे हैं s by s square plus 4 और यहां बचेगा minus 1 by s square plus 36। तो ये हम यहां पे लिखे, ये देखिए तो फाइनली 1 by s square plus 4 minus 1 by s square plus 36 ये हमने जो बचा है वो हमने लिखे। और अब हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, आप चाहे भी इसको यहां पे स्टॉप कर सकते हैं लेकिन जितना हो सके उतना रिड्यूस फॉर्म में उसको सॉल्व किया करो। तो हम इसको आराम से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और यहां पे भी ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा। देखिए हम इसको यहां सॉल्व करेंगे, ये 6 by 4 जो है हम इसको लिखेंगे दैट इज 3 by 2 और अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर प्लस 4 इनटू s स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा और न्यूमरेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हम लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 36 माइनस s स्क्वायर माइनस 4। देखिए प्रॉपर्ली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज s स्क्वायर प्लस 36 यहां पे आया और माइनस लेके ये माइनस से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया माइनस s स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किए, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किए। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे प्रॉपर्ली चेक करो s स्क्वायर यहां पे कट गया और ये 36 और 4 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये बनेगा यहां पे 32 और जो बनेगा वो हमें यहां लिखना पड़ेगा 3 बाय 2, ये ऊपर बचा 32 और डिनोमिनेटर में बचा s स्क्वायर प्लस 4 इनटू s स्क्वायर प्लस 36 और अब यहां पे 32 और ये 2 को थोड़ा सा डिवाइड कर लो और ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 16। तो यहां हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहां पे 2 1 जा और ये 2 16 जा, ठीक 16 2 जा 32 होता है इसीलिए। और अब हम यहां पे 16 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 इनटू s स्क्वायर प्लस 36। तो फाइनली ये हमने सॉल्व कर दिए लैपलेस ऑफ व्हाट, ये हमने लैपलेस ऑफ साइन क्यूब दैट इज 2t हमने ये सॉल्व कर दिए तो प्रॉब्लम यहां पे ये कंप्लीट हो गया। तो फाइनली बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए, ये था लैपलेस का प्रॉब्लम नंबर 3 और अब हमें लैपलेस का फोर्थ प्रॉब्लम कवर करना है। लैपलेस का फोर्थ प्रॉब्लम हम यहां पे क्वेश्चन लिखेंगे, हमने लैपलेस का थर्ड प्रॉब्लम ये लिए थे और अब हम लेंगे लैपलेस का फोर्थ प्रॉब्लम दैट इज लैपलेस ऑफ cos क्यूब t, हम इसका लैपलेस लेंगे। चलो देखते हैं इसका लैपलेस क्या होता है, लैपलेस ऑफ cos क्यूब t, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे cos क्यूब है इसका मतलब यहां भी पावर 3 है, cos क्यूब का डायरेक्ट लैपलेस इसका फार्मूला नहीं आता तो हम क्या करेंगे cos क्यूब में से जो पावर 3 है उसको हम रिमूव करेंगे, जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक उसका लैपलेस लेना मुश्किल है। तो जैसा हमने sin क्यूब में से पावर 3 को हमने बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने रिमूव किए थे उसी तरह से cos क्यूब का भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला आता है हम उसका यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, तो यहां पे sin क्यूब के जगह हम यहां पे cos क्यूब लिखेंगे, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4 यहां पे हम लिखेंगे cos थीटा और यहां माइनस के जगह हमें प्लस लिखना है और यहां sin 3 थीटा के जगह cos ऑफ 3 थीटा बाय 4। तो फार्मूला आपके सामने है, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बाय 4। तो ये फार्मूला आपके सामने है और इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या होता है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, यहां पे सॉल्यूशन में हमें लिखना है लैपलेस ऑफ cos क्यूब t और यहां पे हमें फार्मूला जो यूज करना है, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे यहां पे cos क्यूब थीटा है, थीटा के जगह यहां t है तो अगर आप फार्मूले का यूज करेंगे तो जहां जहां पे थीटा है वहां वहां पे आपको सिर्फ t लिखना है। तो देखो क्या होगा, हम ये लिखेंगे लैपलेस ऑफ cos क्यूब t, इसका मतलब ये होगा 3 बाय 4 cos t प्लस cos ऑफ 3t बाय 4। देखो कंपेयर करो इसको, दोनों फार्मूले को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा, यहां पे थीटा है तो यहां पे भी थीटा की जगह टी है तो हमने यहां पे थीटा की जगह यहां भी टी लिखे और यहां भी टी लिखे, 3 बाय 4 कॉस थीटा तो 3 बाय 4 कॉस टी प्लस
तो प्लस cos 3 थीटा बाय 4 तो cos ऑफ 3t बाय 4 ओके। और अब हम इसका लैप्लस लेंगे बिल्कुल सेम टेक्निक वैसे ही जैसे हमने पहले किए थे। सबसे पहले हमें 1 बाय 4 दोनों में कांस्टेंट दिख रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे एज अ कॉमन, तो 1 बाय 4 बाहर आ गया। और अब बचा लैप्लस ऑफ अंदर क्या बचा 3 cos t प्लस cos ऑफ 3t अंदर ये बचा। और अब हम लैप्लस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा सबसे पहले 1 बाय 4 बाहर में है देन एक बड़ा ब्रैकेट दे दो और 3 हम पहले देंगे क्योंकि 3 भी यहां पे कांस्टेंट है। तो लैप्लस ऑफ cos ऑफ t और प्लस इसका लैप्लस लेंगे लैप्लस ऑफ cos ऑफ 3t। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका मतलब हमें इसका लैप्लस लेना है। तो यहां पे लैप्लस ऑफ cos t है लैप्लस ऑफ cos 3t है इसका मतलब लैप्लस ऑफ cos क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो उसका भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे। तो ये देखिए लैप्लस ऑफ sin 80 का जैसे फार्मूला है वैसे ही लैप्लस ऑफ cos 80 का भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। फार्मूला ऐसा है s / s² + a² देखो थोड़ा सा चेंज है न्यूमरेटर में यहां पे a / s² + a² है यहां पे न्यूमरेटर में s / s² + a² है डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो चलो यही फार्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे cos t है इसका मतलब यहां पे cos 80 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां t का कोएफिशिएंट a है तो यहां a आ गया, यहां t का कोएफिशिएंट 1 है तो यहां पे a की जगह 1 आएगा इसका मतलब s / s² + 1 ऐसा हो जाएगा। तो ये हम यहां पे एक्सपांड करेंगे तो 1 / 4 तो ये 3 इनटू लैप्लस ऑफ cos t होगा s / s² + 1 देखिए ऐसा हो गया ठीक है क्योंकि cos 80 में यहां पे a का वैल्यू वहां पे 1 है तो यहां s / s² + यहां a² माने 1 स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब 1। और अब यहां पे लैप्लस ऑफ cos 3t हम यहां लिखेंगे s / s² + 3 स्क्वायर दैट इज 9। देखिए हमने यहां पे जो लिखे हैं वो यहां पे a का वैल्यू जो है वो t का कोएफिशिएंट देखो a का वैल्यू 3 है तो a का वैल्यू 3 है तो यहां a स्क्वायर होता है तो 3 स्क्वायर हो गया 9। और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो ये 3 से यहां मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा 3s / s स्क्वायर + 1 ये हो गया न्यूमरेटर और यहां पे एज इट इज रहने दो s / s स्क्वायर + 9। वैसे यहां कुछ कटने वाला नहीं है लेकिन इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं कैसे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो कैसा बनेगा यहां पे तो ये 1 / 4 बाहर में है तो ये होगा 3s into, एक मिनट ये हो गया 3s into s square plus 9 then plus s into s square plus 1 और denominator में s square plus 1 into s square plus 9। और अब इसको थोड़ा सा solve करेंगे तब तक solve करो जब तक थोड़ा बहुत solve हो रहा है। तो ये 1 by 4 तो यहाँ पे 3s से multiply कर लो। अगर आप 3s से यहाँ multiply करेंगे और यहाँ multiply करेंगे देखते हैं यहाँ पे क्या terms बनेंगे। s से भी यहाँ multiply करो तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे न्यूमरेटर में देखता है क्या बनेगा डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा जो डिनोमिनेटर यहां है वही डिनोमिनेटर यहां रहेगा। तो ये हम लिख देंगे s² + 1 into s² + 9 इसमें कोई चेंजेस नहीं है बस न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है 3s into s² तो ये हो गया 3s³ 3s into 9 तो ये हो गया 27s देन यहां पे s² into s तो ये हो गया s³ यहां पे हम लिखेंगे s³ और s से यहां मल्टीप्लाई करूं तो ये बचा s ठीक है। और अब यहां पे सिमिलर टर्म्स को यहां पे ऐड करना है तो सिमिलर टर्म्स को ऐड करने के बाद देखते क्या आता है तो यहां पे देखो 3s³ और ये 1s³ तो ये हो गया 4s³ देन यहां 27s और ये 4 तो ये हो गया 28s ठीक है। और डिनोमिनेटर जो है वो आप एज इट इज रहेंगे डिनोमिनेटर में कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली ये देखिए यहां तक हम आ गए। तो इतना होने के बाद क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं यस बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में से जो 4 है वो कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन लेने के बाद क्या होगा देखो बाहर में 1 / 4 है उसको एज इट इज रहने दो। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे सिर्फ 4 कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर में बचेगा s³ + 7s और डिनोमिनेटर में बचेगा एज इट इज रहने दो s² + 1 into s² + 9। और अब ये न्यूमरेटर का 4 और ये डिनोमिनेटर का यहां बाहर जो 4 है वो दोनों कट गए और जो बचेगा वो आपको लिखना है। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या कर सकते हैं देखो न्यूमरेटर में s³ + 7s है इसमें से s कॉमन ले लो तो बनेगा s² + 7 और डिनोमिनेटर में बनेगा s² + 1 into s square plus 9। तो फिलहाल इतना सॉल्व कर लिए और इसको सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल ये यहीं पे स्टॉप करो। तो फाइनली लैप्लस ऑफ cos क्यूब t को हमने सॉल्व किए हमने लैप्लस ऑफ cos क्यूब t निकाल रहे हैं और उसको हमने यहां से ऐसे सॉल्व किए और ये फाइनली सॉल्यूशन आ गया s
स्क्वायर प्लस 7, स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया लैपलेस का प्रॉब्लम नंबर 4 यहां पे कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो हमने प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 लिए वो आपको समझ में आए होंगे। इसके पहले हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म के दो प्रॉब्लम्स लिए थे और हमने उसके फॉर्मूलेस भी प्रूफ किए थे और हमने मैट्रिसेस के भी कुछ वीडियोस आपको दिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।